हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जिस सरप्राइज़ के बारे में मैं पिछले व्लॉग में बता रहा था आप सबको, वो सरप्राइज़ आप सबसे डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि वो क्या सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि हम अपनी फैमिली के साथ दीघा घूमने जा रहे हैं। दीघा, आपने सही सुना, दीघा घूमने जा रहे हैं। और पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ से 7 बजे हावड़ा में ट्रेन है, जो कि दीघा 10:30 बजे सुबह उतार देगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये टिकट दीघा का टिकट है, फुल फैमिली का टिकट मैंने कटा लिया है यहाँ पे। तो सुबह 7 बजे ट्रेन है, जो कि हमें 10:30 बजे दीघा उतार देगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दीघा का फुल ट्रिप मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा ज़रूर। और ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हम लोग दीघा स्टेशन पे खड़े हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा पूरा फैमिली खड़ा है। यही पीछे जो ट्रेन खड़ी है, उसी ट्रेन से हम लोग अभी उतरे हैं। अब हमें जाना है बाहर की ओर। फुल एंजॉय होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अभी न्यू दीघा बीच के पास खड़े हैं। यहाँ पे रहने के लिए होटल खोजा जा रहा है। अलग अलग होटल है, अलग अलग दाम भी है, ज़्यादा दाम भी है, कम दाम भी है। तो जिस हिसाब से अगर आपका फैमिली बजट है, जितना हिसाब से आप बजट देखना चाहते, 700 में एटलीस्ट बहुत अच्छा रूम मिल जा रहा है यहाँ पे। तो 700 बेस प्राइस में बहुत अच्छा है, बहुत कम दाम में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। और अभी हम लोग न्यू बीच, दीघा बीच के पास खड़े हैं। सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, रूम भी सामने पे ही है। तो अगर सबको रूम पसंद आ जाता है तो वहीं पे रुक जाएंगे। और हमारे साथ हमारे भैया भी हैं, जो गाइड के रूप में अभी हम लोग को रूम दिखा रहे हैं। स्टेशन से हमें साथ में लेकर के आए, यही बहुत अच्छे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप सब भी आएँ तो यहाँ इनसे एक बार राय ज़रूर ले लें, ठीक है। ये बहुत स्टेशन पे ही अक्सर रहते हैं, ध्यान से देख लीजिए इनको, ठीक है। और यहीं पे सामने में न्यू बीच है, न्यू दीघा बीच है, तो यहीं पे हम लोग अगर रूम ले लेते हैं तो कुछ देर के बाद जाएंगे यहीं पे। पैदल आराम से जाना आना, और सामने में ही है नहाने के लिए। हम लोग जो है पैदल आना जाना कर सकते हैं, बहुत ही सामने है, 2 मिनट का रास्ता है। तो अगर आप सबको भी आना है तो ज़रूर आइएगा इस जगह पे, बहुत अच्छा जगह है, बहुत एंजॉयबल महसूस हो रहा है। और ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम लोग और आगे आप सबसे मुलाकात करेंगे। दोस्तों, हम लोग अभी होटल में आ चुके हैं, होटल ले चुके हैं। होटल का कॉस्ट लगभग 1200 रुपया पड़ चुका है। यहाँ 1200 से कम का कोई रूम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग 1200 रुपये वाला रूम लिए हैं। काफ़ी अच्छा रूम है, रूम को दिखाएंगे आपको। रूम दिखाने के बाद हम लोग सीधा जाने वाले हैं बीच पर, यानी कि दीघा बीच पे हम लोग अभी फ़िलहाल मौजूद हैं। न्यू दीघा जगह पे, यानी न्यू दीघा में हम लोग अभी मौजूद हैं, और वहीं पर हमारा होटल है। होटल के जस्ट 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर बीच है, बीच पे जाएंगे फिर एंजॉय करते हैं। पहले रूम देखते हैं, आइए। ये देखिए,
तुम देख रहे हो भाई मेरा बैठ करके मोबाइल चला रहा है। काफ़ी अच्छा रूम है, देखिए टीवी है, बेड है, एसी है, सब कुछ है, बहुत सुंदर रूम है। ठीक है दोस्तों, रूम आप सबने देख लिया, अब चलते हैं बीच पे। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बीच पर नहाने, काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा ताकि एक भी अपडेट मिस ना कर सके। मिलते हैं बीच पे। इधर से देखिए बगल में मेला नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे सब मेला है, एक से एक किस्म का सामान देखने को मिल रहा है। पत्थर ही पत्थर है, दूसरी तरफ पानी है जो कि बहुत मस्त लग रहा है देख के। दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जो कहते हैं हम लोग, वही बे ऑफ बंगाल की, ये जो बे ऑफ बंगाल के साइड में जो पानी आता है हमारे वेस्ट बंगाल से लगा के उड़ीसा तरफ से होते हुए जो बे ऑफ बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल को पूरा कवर करती है ये। बहुत ही सुंदर लग रहा है, समंदर की जो लहरें हैं काफ़ी सुंदर लग रही है, लोगों को उछाल दे रही है पूरा एकदम से, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं कितना लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, कितनी लहरें मार रही हैं। लहर देख करके ही मुझे नहाने का इसमें बहुत इच्छा कर रहा है। अब तो चले हम पानी में, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए लहर जो मार रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यही है दीघा बीच दोस्तों, न्यू दीघा बीच के नाम से ये बीच जाना जा रहा है। यहाँ पे बचाव कर्मी भी शामिल है, बचाव कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी कुछ दुर्घटना होती है तो ये सबसे आगे खड़े होंगे। देखिए किस तरह की लहरें आ रही हैं, बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है दोस्तों। पीछे की ओर देख सकते हैं सारा समंदर किस तरह से लहरें मार रही है, देखिए देख सकते हैं। काफी एंजॉयबल मोमेंट है ये, काफी ज्यादा एंजॉयबल महसूस हो रहा है। Oh.
अभी मैं समंदर में से नहा करके बाहर आया हूँ। पैर में चोट भी लग गई है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा पत्थर है ना कि पैर में चोट लग गया है। और भाई को ठंडा लग रहा है, यहाँ भाई बगल में बैठा हुआ है, ये देखिए इसको ठंडा लग रहा है। और हमको चोट के कारण बाहर आ गए। मम्मी पापा मेरे बहन सब तो उधर दूसरी तरफ जा करके नहाने के लिए गए हैं, तो वो लोग मम्मी पापा फिर आएंगे, फिर दोबारा हम जाएंगे। एंजॉय बहुत ज़्यादा हो रहा है। आशा करेंगे कि आप सब भी कभी आइए और इस जगह का एंजॉय कीजिए। ये दोस्तों ये देखिए, वाओ। ए या मेले में।